हेलो क्लास सेवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चैप्टर टू चल रहा था, तो चैप्टर टू में एक्सप्लेनेशन हो गया था इसका, तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला हम लोग का टिक द करेक्ट है, तो इसमें हमारा होगा डैश फंक्शन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द रेंज, तो एम एक्स जो होगा इसमें सही होगा, ठीक है। सेकेंड में आपका है डैश रेफरेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड कहलाता है, इसलिए मिक्स्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिस प्रिंट है, गलत है, तो इसको आपको नहीं करना है, ये आपके इस बुक से रिलेटेड नहीं है, तो इसको आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग को करना है डैश फंक्शन रिटर्न स्क्वायर रूट नंबर, इसमें आपका एसक्यूआरटी होता है, एसक्यूआरटी होगा, ठीक है। ये भी मिस प्रिंट हो गया। फोर्थ नंबर यहाँ फिफ्थ होगा, तो इसमें आपको लिखना है डैश फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट, तो करंट डेट के लिए टुडे, ठीक है, टुडे करेक्ट आंसर है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, तो डैश इज फार्मूलाज आर द वंस दैट हैव ओनली वन ऑपरेटर इन द फार्मूला, तो बेसिक इसमें होगा। सेकेंड में होगा हमारा डैश इज द सेल एड्रेस प्रेजेंट इन द फार्मूला, तो सेल रेफरेंस होगा, ठीक है। थर्ड में हमारा होगा एक्सेल डिस्प्ले डैश वर्कशीट बाय डिफॉल्ट, तो थ्री होगा, तीन सीट उसमें ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ डैश आर द प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल दैट कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूलाज होता है, ठीक है। और फिफ्थ है आपका एक्सेप्ट डैश नो अदर ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन टेक्स्ट, तो एडिशन होता है इसमें, ठीक है। और सी ट्रू एंड फॉल्स करेंगे अब हम लोग, तो फर्स्ट इसमें कहा है ओनली सिंपल कैलकुलेशन कैन बी ईजली परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, फॉल्स है, दोनों किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल दोनों, ठीक है। तो सेकेंड है वेरिएबल आर द नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज, तो वेरिएबल चेंज हो जाता है, तो ये फॉल्स है। थर्ड है एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक कंपाउंड फार्मूला, तो ये फॉल्स है। फोर्थ है इंट फंक्शन रिटर्न नंबर राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, तो ट्रू हो गए। फिफ्थ नंबर सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट कैन नॉट बी यूज्ड इन अनदर वर्कशीट, तो ये फॉल्स होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे होम। थैंक यू।